हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 का गणित सब्जेक्ट। उसमें चैप्टर 2 अध्याय 2 चल रहा है। नाम है क्या? संक्रियाएं। संक्रियाएं में हमने अभी तक जोड़ना और घटाना पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक गणित की विधियां। कुछ वैदिक गणित की विधियों के द्वारा जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं उसे हम अब पढ़ेंगे। तुमने कक्षा 4 में वैदिक गणित से संबंधित कुछ बातें सीखी हैं, आओ उन्हें एक बार और दोहराएं और कुछ नया भी सीखें। अंक क्या क्या होती हैं? 0 से लेकर 9 तक, ये 10 अंक हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग कर सभी संख्याएँ लिखी जाती है ना। 0 से लेकर 9 तक, 9 के बाद क्या आता है? 10, जो 1 और 0 को मिला के बनता है। 11, जो 1 और 1 को मिला के बनता है। 12, जो 1 और 2 को मिला के बनता है। मतलब कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को ही मिला करके हम क्या बनाते हैं? संख्याएं बनाते हैं। अब अंक पढ़ लिए हम। अब अंक के बाद क्या आता है? बीजांक। बीजांक गणित का महत्व होता है किसमें? वैदिक गणित में। वैदिक गणित में 1 से लेकर 9 तक की जो के अंकों को बीजांक कहते हैं। वैदिक गणित में 1 से लेकर के 9 तक की अंकों को क्या कहते हैं? बीजांक कहते हैं। किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक एक अंक की संख्या प्राप्त ना हो जाए। जैसे कि कोई संख्या दी हुई है 2 और 2, ये दो संख्याएं हैं इसमें 2 और 2। अब क्या करना है? किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करना। अगर इस संख्या का हमें बीजांक ज्ञात करना है तो उस संख्याओं को आपस में ही जोड़ते जाना है। 2 + 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 4। 2 और 2 है 22 है। 2 + 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 2, 4। तो अब तब तक करता है इन संख्याओं का हम योग जब तक करना है जब तक एक संख्या ना प्राप्त हो जाए। एक संख्या है, 4 क्या है? एक संख्या है। तो 22 का बीजांक क्या होगा? 4, है ना। बीजांक ऐसे ही ज्ञात करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है। उदाहरण के लिए 35 का बीजांक ज्ञात करने के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे, है ना। तो 35 में क्या अंक होते हैं? 3 और 5। 3 + 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 8, जो कि एक संख्या है। किसी संख्या को वहाँ तक जोड़ना है जब तक उसकी जोड़ते जोड़ते वो एक संख्या में ना आ जाए। तो 35 का बीजांक क्या होगा? 8। अतः 35 का बीजांक है 8। अब देखते हैं परम मित्र किसे कहते हैं। परम मित्र अंक, जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे आपस में एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। जैसे कि 1 + 9 = 10 होता है। 1 + 9 = 10, तो अतः 1 का परम मित्र होगा 9 और 9 का परम मित्र होगा 1, है ना। एकाधिकेन पूर्णेन का मतलब है पहले की संख्या से एक अधिक। जैसे 2 का 1 अधिक 3 है। 2 के बाद क्या आता है? 3। और 3 इसी प्रकार 3 का 1 अधिक है ना। 3 का 1 अधिक होगा 4। क्या आप 1 से 9 तक की संख्या का एकाधिक बता सकते हैं? हाँ, जरूर बता सकते हैं। 1 का 1 अधिक क्या होगा 2। 2 का 1 अधिक होगा 3। 3 का 1 अधिक होगा 4। 4 का 1 अधिक होगा 5। 5 का 1 अधिक होगा 6। 6 का 1 अधिक होगा 7। 7 का 1 अधिक होगा 8। 8 का 1 अधिक होगा 9। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का एकाधिक। एक न्यूनेन पूर्णेन, दूसरा इसके बाद क्या है? एकाधिक पूर्णेन के बाद एक न्यूनेन पूर्णेन जस्ट ऑपोजिट होता है किसके? एकाधिक पूर्णेन के। एक न्यूनेन कहने का मतलब है एक कम, एकाधिक मतलब कि एक अधिक, एक न्यूनेन मतलब एक कम। एक न्यूनेन पूर्णेन का अर्थ है कि पहले की संख्या से एक कम। 8 का 1 न्यूनेन संख्या क्या होगा 7। इसी प्रकार 5 का 1 न्यूनेन संख्या होगा 4। 5 के जस्ट पहले क्या आएगा 4 और 8 के पहले क्या आता है 7, जो एक कम है। अब आप 9 से 1 तक की प्रत्येक संख्याओं का एक न्यूनेन बताइए। 1 का 1 न्यूनेन क्या होगा 0, क्योंकि 1 के पहले क्या आता है? 1 से कम क्या होगा 0।
दो का एक न्यूनन होगा एक, तीन का एक न्यूनन होगा दो, चार का एक न्यूनन होगा तीन। इसी प्रकार पाँच का एक न्यूनन होगा चार, छः का एक न्यूनन होगा पाँच, सात का एक न्यूनन होगा छः, आठ का एक न्यूनन होगा सात और नौ का एक न्यूनन होगा आठ। वैदिक गणित की विधियों में एक अनेक स्थानों पर एकाधिकन पूर्णन और एक न्यूनन पूर्णन का उपयोग होता है। अब देखते हैं परम मित्र की सहायता से जोड़ना। परम मित्र अंक क्या होता है वो हमें पता चल गया है, अब हम क्या करेंगे परम मित्र अंक की सहायता से जोड़ना सीखेंगे। यदि किसी संख्या में एक दो तीन जोड़ना है जोड़ना हो तो आवश्यकता के अनुसार एकाधिक कर जोड़ा जा सकता है, परंतु जब जोड़े जाने वाली दो संख्याएं पाँच से बड़ी हों तब परम मित्र की सहायता से जोड़ना आसान होता है। आइए इसका एक उदाहरण देखें। नौ और धन सात, नौ धन सात, नौ को सात से जोड़ना है, यहाँ हमें नौ को और सात को जोड़ना है। नौ का परम मित्र अंक है एक, पता है हमें कि नौ का परम मित्र अंक एक है और एक का परम मित्र अंक नौ है, अतः सात से एक तक एक सात से एक लेकर नौ में मिला दिया, सात से एक लेकर नौ में मिला दिया। सात से एक लेकर नौ में मिला दिया, सात से एक लिया और नौ में मिला दिया, तो नौ धन एक बराबर कितना हो गया दस। देखते हैं कैसे होता है। अब नौ धन एक बराबर दस, अच्छा सात से एक ले एक निकालने पर बचे कितने छः, अच्छा नौ धन सात है, नौ धन सात है तो सात से एक लिया तो ये बचा कितना छः बच गया, और इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया है नौ धन एक दस आ गया है ना, तो सात से एक निकालने पर छः बचे, सात में दस में छः जोड़ने पर मिला सोलह, दस में छः जोड़ने पर मिला सोलह। अब इसको एक दे दिए तो ये बच गया छः, यहाँ पे हो गया ये दस, तो दस में छः जोड़ेंगे कितना आएगा सोलह। उसी प्रकार से अर्थात नौ धन सात बराबर कितना होता है सोलह। एकाधिक चिन्ह लगाकर जोड़ना। आप हासिल लगाकर जोड़ने की विधि लगाते हैं, आप हासिल लगाकर जोड़ने की विधि लगाते हैं। आइए यहीं से शुरू करते हैं, एक उदाहरण लें। हल कीजिए, हासिल लगाने वाला हल है चौवन धन अठारह, 54 + 18। पहला क्या होता है इकाई के अंकों को जोड़ने पर क्या होता है, इकाई के अंक पहले जोड़ते हैं फिर दहाई के अंक जोड़ते हैं फिर सैकड़े का अंक, तो चार धन आठ बराबर कितना होता है बारह। तो इस चार धन आठ बराबर कितना होगा बारह, बारह के दो हासिल में आई एक करते हैं ना, इस योगफल में इकाई में इकाई का दो लिख दो को योगफल के रूप में लिखते हैं और हासिल एक को दहाई के स्तंभ में पाँच के ऊपर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बारह में दो को लिखेंगे हासिल में आया एक। अब दहाई के स्तंभों के सभी अंकों को जोड़ते हैं, एक धन पाँच धन एक बराबर कितना होगा उसे यहाँ पे लिखना है, हासिल का एक धन पाँच धन एक बराबर इसे सात, इसे दहाई के योगफल के रूप में नीचे लिखते हैं, योगफल कितना प्राप्त होगा हमें 72। यहाँ पे तीनों को ऐड किया 72। यदि इकाई के अंकों के जोड़ से मिलने वाले हासिल एक को बिंदु के रूप में दहाई के स्तंभ में लगा दें तो भी योगफल वही प्राप्त होगा। एक बार फिर इसी जोड़ को देखें, मतलब कि जो एक के रूप में लिखे हैं हम हासिल को उसे बिंदु के रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है बिंदु के रूप में, तो भी हमें क्या मिलेगा योगफल उतना ही मिलेगा। देखते हैं कैसे, तो 54 + 18 करना है ना, तो 54 इकाई के चार और आठ को जोड़ने पर हमें मिला कितना 12, 12 के दो को योगफल के रूप में लिखते हैं और इकाई में रूप में लिखें और हासिल एक को दहाई के एक के ऊपर बिंदु के रूप में लिखते हैं, बिंदु के रूप में अंकित करें, दहाई में जो एक है पाँच नहीं एक, एक ऊपर में बिंदु के रूप में अंकित करें, इस बिंदु को ही एकाधिक
चिन्ह कहते हैं। इस बिंदु को ही एकाधिक चिन्ह कहते हैं, एक अधिक, क्योंकि ये बिंदु का मतलब क्या है, एक ही है, है ना। अब दहाई के अंकों को जोड़ें, यहाँ पे दो इकाई में दो आ गया है, अब दहाई के अंकों को जोड़ना है। तो दहाई के अंकों में 5 धन बिंदु धन 1, बिंदु का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ही है, बिंदु को एक ही गिने। कुल योग फल कितना मिला हमें, 72। 5 प्लस पॉइंट बिंदु प्लस 1, बिंदु मतलब कि 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो कितना मिला हमें, 7। और एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण और देखेंगे हम, हमें बिंदु वाले जोड़ से भी हमें 72 ही मिला और विदाउट बिंदु मतलब कि एक हासिल वाले से भी हमें 72 ही मिला। लेकिन यहाँ पे जो बिंदु है वो उसे ही हम क्या कहते हैं, एकाधिक। एकाधिक विधि से उदाहरण दो देखते हैं, जोड़ना कैसे, एकाधिक विधि से जोड़ना में उदाहरण दो है, हल कीजिए। 46 प्लस 24, 46 धन 24 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। किस विधि से, बिंदु वाले विधि से। इकाई के 6 और 4 को जोड़ें, इकाई के 6 और 4 को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 10, 10 मिलेगा। जोड़ें, जोड़ 10 के शून्य को योगफल के रूप में इकाई में, इकाई के स्तंभ में लिखें और हासिल 1 को एकाधिक चिन्ह मतलब कि बिंदु के रूप में 2 के ऊपर लगाएं। 2 के ऊपर लगा हुआ है बिंदु के रूप में, हासिल जो 1 लगाते हैं हम, उसे हमें क्या करना है, 2 के रूप, 2 के ऊपर में बिंदु के रूप में लिखना है। अब दहाई का जोड़ करें, 4 प्लस बिंदु धन 2, 4 धन बिंदु धन 2 बराबर 7। बिंदु को एक गिने, बिंदु को क्या करना है, एक गिनना है, तो 4 धन 1 धन 2 बराबर कितना होगा, 7। 4 धन 1 बराबर 5 धन 2 बराबर 7। 7 को क्या करना है, दहाई में लिख देते हैं, तो कुल योग कितना मिलेगा हमें, 70। इस युक्ति से तब आसानी होती है जब संख्याएं 2 से अधिक हो, मतलब यहाँ पे 46 धन 24 दो संख्याएं हैं, उसी प्रकार 46 धन 24 धन एक और संख्या होगी, तब हमें इस युक्ति से आसानी पड़ेगी। तो इसी युक्ति से एक और हल देखते हैं जिसमें 3 संख्याएं हैं, 27 धन 48 धन 19, 27 धन 48 धन 19, तीनों को एक साथ जोड़ना है हमें। इकाई के 7 और 8 को, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इकाई के 7 और 8 को जोड़ेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, 15। अब 15 का जो 5 है, सॉरी 1 है, 1 अधिक को हमें क्या करना है, चिन्ह के रूप में 4 के ऊपर अंकित करना है। ये जो 4 है उसके ऊपर 15 का जो लिखा हुआ है उसका 1 को हमें 4 के ऊपर अंकित करना है चिन्ह के रूप में, और जो 5 बचा है उसे हमें 9 के साथ जोड़ना है, धन 5, 9 धन 5, और 5 को 9 से जोड़ना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। अब 14 मिला, तो 14 का जो 1 है उसे हमें एकाधिक के रूप में, एक दहाई में जो 1 है उसके ऊपर अंकित करना है, एकाधिक के रूप में दहाई में जो 1 है उसके ऊपर अंकित करना है, और 4 को योगफल के साइड में, योगफल के रूप में नीचे लिखना है, इकाई के तरफ में 4 को योगफल के रूप में लिखना है। जो हमें 14 प्राप्त हुआ 9 और 5 को जोड़ने से, उसका 1 को हमें एकाधिक के रूप में एक बिंदु लगाकर कहाँ लिखना है, 1 के ऊपर में लिखना है। अब दहाई के अंकों को जोड़ें, अब जो दहाई का अंक है क्या है, 2 धन बिंदु धन 4 धन बिंदु धन 1 को हमें जोड़ना है। 2 धन बिंदु, बिंदु को क्या मानना है, 1, धन 4 धन बिंदु बराबर 1 धन 1, 2 धन 1 बराबर 3 धन 4 बराबर 7 धन बिंदु बराबर मतलब कि 1, 7 धन 1 मतलब कि 8, 8 धन 1 बराबर 9, तो कितना मिला हमें, 94। उसी प्रकार हल देखते हैं, एक और हल है, 3 संख्या 18 25 और 19, 18 25 8 धन 5 बराबर कितना होगा, 13। 13 का 1 को हमें क्या करना है, बिंदु के रूप में यहाँ पे 2 इकाई के 2 के ऊपर में अंकित करना है, इकाई के 2 के ऊपर में 13 का जो 1 है उसे अंकित करना है, और 3 को 9 के साथ जोड़ना है, 3 धन 9 बराबर कितना होगा, 12। 12 का जो 1 है उसे क्या करना है हमें,
इकाई के एक के ऊपर में अंकित करना है और दो को यहाँ पे लिखना है इकाई में योगफल के रूप में दो को यहाँ पे लिखना है नीचे में। अब देखते हैं, ऐसे ही किया है, दो को लिखेंगे और इकाई 12 का जो एक है उसे यहाँ पे अंकित करेंगे। अब दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, एक धन बिंदु धन दो धन दो धन बिंदु धन एक, इन सब को जोड़ेंगे दहाई के अंकों को, और बिंदु का मतलब एक है, यहाँ पर भी बिंदु का मतलब एक। एक धन एक बराबर दो, धन दो बराबर चार, धन एक बराबर पाँच, धन एक बराबर छः। क्या आया? छः। सबको जोड़ने पर हमें क्या मिला? छः। तो इन 18 धन 25 धन 19 बराबर कितना मिला हमें? योगफल 62। उसी प्रकार एकाधिक चिन्ह लगाकर इन सभी को हमें हल करना है।